ये तस्वीर बिल्लियां अखां वाले उसे ही गबरू जवान की है जिसका 5 साल का मासूम पुत सारी रात बुसक बुसक के पापा पापा करता रहा, जिसकी बुजुर्ग माता रोंदी रोंदी अचानक चुप हो जाती है ते मन नूं तसल्ली दिंदी होई दर्दनाक सच्चाई नूं झूठ दसन लग जाती है। ये उही नौजवान है जिसके भरा गल्लां करदे करदे अचानक ताहां मारन लग जाते हैं। इस नौजवान के परिवार से जो पहाड़ टुटा पूरा पिंड तौबा तौबा कर उठा। मामला जिला अमृतसर के पिंड नंगली नाल संबंधित है, जिथे का रहने वाला 29 साल का नौजवान परमजीत सिंह JCB ड्राइवर वजो कम करता सी। पर बीते दिन किसी अणपछाते दे एक फोन ने इस नौजवान ते अजिहा कहर टाया कि सीन देख आस पास के पिंडां वाले भी सहम उठे। मेरे भरा ने मैं ठाकर की स्टेट च ही कम कर दिया, मैं मिट्टी पदरी कर दिया, मेरे लागे बेटा चाह लै गया आया, मैनू कहिंदा मैं कम वेखण जाणा, मेरे सामने फोन आया, उन्हें कॉल की आ, वह कहता आ भी कदों आएगा, इन्हें कहा आ भी मैं बस 5 मिंट आ गया आ, कहिंदा 1000 रुपये स्केयर फुट लेंदे बेसमेंट पुटनी आ, इन्ना नहीं दस्या कित्थे पुटनी आ, उन्हें धोखे दे नाल कहिंदे इत्थे आ जा, मैनू कहिंदा जगो तू घर नू चल, मैं आया ही, मैं काम लभ गया सवेरे, काम की चाल नहीं हैगी, मैं चल ठीक है तू लभ्या कोई नहीं काम, कहिंदा मैं 5 मिंट तेरे को घर आया ही, मेरे सामने उन्हें फोन आया, उन्होंने कहा भी कहिंदा कल्ला आएगा, वह कहिंदा आओ मैं कल्ला आऊँगा, कहिंदा मैं काम करने वाला बंदा मैं कल्ला ही रहना, तो कल्ला हूँ नाल फौज लै के आनी है, इन्नी गल की उन्हें फोन करता, मैं मैंने कोई खराबी आ पी जनू कोई पैसा की लड़ आ, कहिंदा कैन पैसा की लड़ आ, मैं बंदा जान पछाण वाला आ, मैनू उदो शक होया मैं बंदा जान पछाण वाला, ये कहिंदा आओ जान पछाण वाला बंदा मेरे, मैनू नहीं पर पता भी जान पछाण वाला या नहीं जान पछाण वाला या उदा क्या इन्हें, मैं तो इन्हू बड़ा समझाया भी आया मेरे नाल, ये कहिंदा नहीं मैं पैसे दे के पेट्रोल पंप से कम वेख के आया जी, ओ RB स्टेट तो बैक साइड से जाके मेरे भरा दे कृपाना मार मार के मूँह पाड़ता, मैं उदा गुट बनया तो गुट दो मेरी नाल है गए, बेसमेंट पुटन दे बहाने ना गाड़ी नूं सद्दिया, गाड़ी किस जगह RB कलोनी दे विच मतलब फतेहगढ़ चूड़ियां रोड दे, उस तो बाद 5-6-7 जने ही जिन्हें यदा कतल करता वा, ना दूजा छोटा मुंडा लपर ही ये नाल, हाँ जी उन्होंने दस्या, उन्हें दस्या वा वो हुण कोल ही आ, मतलब रोंदा रोंदा कलोंदा चल गया बेचारा, उन्हें सानू फोन किया वी आह गल बन गई आ, की वजह की आ मर्डर कादी गल्लो करता, कोई दुश्मनी सी उहदे नाल, सब दुश्मनी कोई नहीं हैगी, फोन ही किया बस उन्हें, मंग सर इंसाफ मिलना चाहिए सानू, जिन्ना बंदे दा फोन आया वा उहदी चेकिंग होनी चाहिए आ, सर किन्नी कु उमर सी व्याहिया सी, किन्नी उमर सी व्याह है सर, एक लड़का 6 महीने दा, उम्र 29-30 साल 30 साल उम्र है इहदी, काम की करदा है सारे सर, मिट्टी पाउंदा है प्लाटां दे विच, भर्ती दा काम ही, ये अपना पेट्रोल पंप ते पैसे देण गया, टैलीफोन आए 2-3 टैलीफोन आए इहनूं वी काम वेख लै, काम वेखण गया मतलब बेसमेंट दा, उत्थे गाड़ी गया जदों ते मतलब बंदे खलोते एक ने खड़िया नाल ते पांच जने उत्थे मतलब हथियार लेके खलोते कृपाना लेके उन्हें वढ़ता, उन्हें लुट खो कोई रंजिश नहीं, पुरानी रंजिश साड़ी किसी नाल कोई नहीं हैगी, मतलब वो लुट खो भी करके लै गए, उहदी कोई मतलब पैसा पूहा उहदी जेब च कोई नहीं निकलिया। इस मामले च पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की मदद के नाल ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ASI ਜੁਗਲੇਸ਼ਵਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਕਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 21/11/2022 ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਨੰਗਲੀ, ਜੋ ਕਿ JCB ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਐਸਓਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੀ ਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ 'ਚ ਖੰਘਾਰ ਰਹੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਹੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 148 ਅਤੇ 149 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।